हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला जो वर्ड है जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपेंट, पछताना। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज, थोपना। तो ये कमाल के वर्ड है जो इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉर्सरर, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी। तो ज्योतिषी को इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। नेक्स्ट अगला वर्ड है जिसे हम बोलते हैं कन्फेक्शनर, हलवाई, मिठाई बनाने वाले को गाइस इंग्लिश में बोलते कन्फेक्शनर। वॉशरमैन, धोबी बोलते ना, वो धोबी है, ही इज अ वॉशरमैन, वो हलवाई है, ही इज अ कन्फेक्शनर। आइए नेक्स्ट देखते हैं गाइस, अगला वर्ड है डिफ्लेट। डिफ्लेट का मतलब हवा निकालना, जब भी गाड़ियों का हवा निकलता है उसको बोलते हैं डिफ्लेट। हवा भरने को गाइस इंग्लिश में हम बोलते हैं इनफ्लेट, इनफ्लेट। आप इमेज भी देख करके आप समझ सकते हैं वर्डों को। नेक्स्ट है गाइस ओबेसिटी, मोटापा, जब भी कोई इंसान बहुत मोटा होता है उसे बोलते हैं ऑब्सिटी। नेक्स्ट वर्ड है गाइस एनेमिया, जिस खून की कमी, मतलब जिस पर्सन के अंदर ब्लड की कमी होती है उसे बोलते हैं एनेमिया, खून की कमी होना। आइए अगला वर्ड हम आपको सिखाते गए जिसे बोलते हैं पिल, छीलना। किसी भी चीज़ों को हम छीलते हैं उसको इंग्लिश में पिल बोलते हैं। सोक, भिगोना, जैसे आप कपड़े भिगोते हैं सोक बोल सकते हैं, और छीलने को गाइस पिल बोलते हैं। आइए नेक्स्ट हम आपको दिखाते गए ग्रिंड, पीसना, जब भी किसी चीज़ों को पीसते हैं उसे ग्रिंड बोलते हैं। फ्लिप मतलब पलटना, जब भी कोई कॉइन वगैरह पलटते हैं दैट इज कॉल्ड द फ्लिप। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला वर्ड का है जिसे बोलते हैं बेक, बेक मतलब होता है सेकना, जैसे आप रोटी सेकते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड है रोस्ट, किसी चीज़ को भूनना, तो भुनने को गाइस अंग्रेजी में हम बोलते हैं रोस्ट। तो आप इमेज में देख करके वर्डों को आप अंडरस्टैंड करेंगे गाइस। चलिए आगे अगला वर्ड हम आपको सिखाते जो इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। और अगला जो वर्ड है इसको बोलते हैं मेल्ट, मेल्ट क्या होता है, पिघलना, जब कोई चीज़ पिघलता है उसको मेल्ट बोलते हैं। एंड डिसॉल्व का मतलब होता है घुलना, जब कोई चीज़ें घुल जाती है किसी चीज़ों में तो हम उसे डिसॉल्व बोलते हैं, मेल्ट का मतलब पिघल जाना। तो इस सारे वर्डों को गाइस अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए और मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम आपको सिखाते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट, पसीना आना, एंड क्विंच, प्यास बुझाना। नेक्स्ट है गाइस क्लेवर, शातिर, चालाक, एंड मूर्ख पर्सन को बोलते हैं स्टूपिड, एज अ स्टूपिड, वह मूर्ख है, ही इज अ क्लेवर, वो चालाक है। आइए अगला वर्ड है गाइस जिस वर्ड को बोलते हैं अरोमा, खुशबू, एंड नेक्स्ट वर्ड है स्टिंग, बदबू। आगे है गाइस जिसे बोलते हैं कूल डाउन, ठंडा करना, जब भी किसी चीज़ को ठंडा करते हैं जैसे फ्रिज में आपको चीज़ रखते हैं बोलते हैं इसको हम ठंडा करना है, उसका बोलते हैं कूल डाउन, और गर्म करने को बोलते हैं हीट अप, हीट अप गर्म करना, जैसे चाय है मैंने कहा प्लीज़ चाय गर्म कर दो, प्लीज़ हीट अप द टी, हीट अप मीन्स गर्म करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइस। और एक छोटा सा होमवर्क है जो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे, जिसे बोलते हैं व्यवहार, तो व्यवहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीबडी।